हाय फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ पे एक बाइंग टिप है। मैंने ब्राउनी के लिए एडवांस में केज लिया था, बट उसको वो पसंद नहीं आया ना, अभी भी है। सो केज के बदले आई विल सजेस्ट अ बेड, दैट विल बी बेटर। पपी को पसंद भी आएगा और वो कंफर्टेबल भी फील करेगा। ओह नो, सो फ्रेंड्स, ब्राउनी का डॉक्टर के पास ये फर्स्ट विजिट है। सो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। पॉइंट नंबर वन, आपका पपी 45 डेज़ का होना चाहिए या उससे अबव। पॉइंट नंबर टू, आप जब भी पपी को अडॉप्ट करें उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे आपको वेट को विज़िट करना है और वेट से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है। जैसे कि इम्पॉर्टेंट थिंग, पपी की फर्स्ट वैक्सीन कब होगी और उसकी डिवॉर्मिंग कब होगी, क्योंकि वैक्सीन के साथ साथ ही पपी की डिवॉर्मिंग होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर थ्री, आपके पपी के लिए बेस्ट फूड कौन सा होगा और उसे कितनी बार देना है और कितना देना है। आपके पपी के लिए कौन सा पानी बेस्ट होगा, कंपलसरी आरओ प्लस यू फिल्टर हो या बॉइल वाटर हो। पॉइंट नंबर फोर, आपके पपी का नेक्स्ट विजिट डेट एंड नेक्स्ट वैक्सीन कब होगी। मेक श्योर आप कोई भी वैक्सीन डिले ना करें, क्योंकि सारी की सारी वैक्सीन देना, टाइम टू टाइम देना वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप जब भी कोई पप्पी अडॉप्ट करें वो बिलो 45 डेज़ का ना हो। और आप ये तय कीजिए कि आपको कौन सी ब्रीड लेनी है अकॉर्डिंग योर होम एंड सराउंडिंग, और आप जो भी ब्रीड लेने वाले हैं उसके बारे में पहले से ही रिसर्च कीजिए और आपके घर को पप्पी प्रूफ बनाइए, यानी पप्पी कंफर्टेबल जोन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चाओ फॉर नाउ, सी यू अगेन, बाय।